ऐसे यूं ही बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे तो जिंदगी के 18-20 साल निकल गए थे, कहीं से ऐसा प्यार नहीं मिला था जितना आज आपसे मिलता है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मुझे इतनी शक्ति दे, इतना ज्ञान दे कि इस टीम इलाइट परिवार का मैं हमेशा अच्छी तरह से पालन पोषण कर पाऊं, न्याय के साथ, सभी के प्यार के साथ, किसी के साथ। यदि मैंने कभी कुछ कह भी दिया हो तो उसके लिए मैं इस स्टेज से क्षमा मांगता हूं। मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई या दोस्त समझ के दोस्तों माफ कर देना, जानबूझकर मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता। क्योंकि दोस्तों मेरा भी जन्म एक छोटे से किसान के घर, कच्चे घर में हुआ था। मेरे 5 भाई थे, बड़े 2 भाइयों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी और मुझे पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मेरे ऊपर भी वो प्रेशर था जो आपके ऊपर होता है कि बेटा पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी। और ऊपर वाले की कृपा हुई, मुझे भी भारतीय सेना में नौकरी करने का मौका मिला। जिस वर्दी को पहन करके हर इंसान गर्व महसूस करता है, मैंने भी किया। लेकिन 16 साल लगभग नौकरी करते करते हो गए थे, जिंदगी आराम से चल रही थी, कोई प्रोग्रेस नहीं थी, चल रही थी। उसी ड्यूरेशन में मेरी मुलाकात, उस टाइम तो वो इंसान थे, लेकिन आज तो हजारों लोगों के भगवान हैं, मसीहा हैं, गुरु हैं, देवता हैं। मेरी मुलाकात हुई थी इस कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर से, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म के बारे में 3 नवंबर 2014 को अपने घर बैठ के समझाया था कि बेटा ये काम है, जहां से तू करेगा तो बहुत कुछ जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों 2 महीने मैंने फिर भी काम नहीं किया था, मुझे प्रोडक्ट दिए सर ने 10,000 रुपए के फ्री में, मैंने अपने घर में यूज किया, घर में 2 लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो 1 जनवरी 2015 से मैंने गुरुजी को कॉल किया कि सर मैं आज एसलीपीएस बॉलर्स में काम करने आ रहा हूं। सर ने कहा बेटा तेरे पास कमी तो किसी चीज की है ही नहीं, स्टार्ट कर। और 9 जनवरी 2015 को दोस्तों मेरा पहला चेक बना था, मात्र 9 दिन के अंदर वो था 25,000 रुपए का। जो पहला शो मैंने रोहतक में देखा था, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भारतीय सेना में रहते हुए 18 महीने मैंने एज ए पार्ट टाइम काम किया। यहां लोग कहते हैं टाइम नहीं है, सर मैं दुकान चलाता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं यहां जाता हूं। अरे सर भारतीय सेना से ज्यादा फिजी लाइफ कहीं हो सकती है क्या? अरे होती है क्या? 18 महीने पार्ट टाइम करके मैंने यहां से 18 लाख रुपए कमाए थे। और आज 1 अगस्त 2016 को मैंने भारतीय सेना की नौकरी को छोड़ करके एज ए कैरियर के रूप में मैंने इस कंपनी को किया है। दोस्तों आज 33 महीने मुझे इस काम को फुल टाइम एज ए कैरियर के रूप में करते हुए हुआ है। इन 33 महीनों की जो इनकम है वो दोस्तों 4.25 करोड़ रुपए, यहां से 4.25 करोड़ रुपए। जिस बच्चे का जन्म कच्चे घर में हुआ था, आज वो बच्चा इस कंपनी के माध्यम से 2 करोड़ के घर में आ चुका है। तालियां बजाने से 52 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। और बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है तो तुम भी क्या करो। और ये उदास चेहरे से मरे बड़ी सख्त नफरत है, थोड़े हंस के बैठो, किसी ने कुछ चुरा लिया क्या? अरे जब सेल्फी लेते हो, 80 साल की अम्मा भी सेल्फी ले रही हो ना, तो स्माइल करके सेल्फी लेती है। यस या नो? क्योंकि एक क्षण सेकंड में उसका फोटो अच्छा आ सकता है। यदि आपके चेहरे पर पूरी जिंदगी स्माइल लगी रहे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। सही है?
तो हंस के बैठना, चुराया कुछ नहीं है। बाबर बाहर 48 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ एसी में बैठे हो, तो हंस तो सकते हैं या नहीं? तो चेहरा उदास नहीं दिखना चाहिए। एक बार अपनी प्रेजेंट छोटा तालियों के साथ दिखा दो। आज जिस बच्चे को पैदल नंगे पैर स्कूल जाता था, दो तो आज एसएलपी अस्पताल के माध्यम से 50 लाख की गाड़ी में आ चुका है। जिस बंदे की शुरुआत 5,000 रुपए महीने से हुई थी, आज दो तो एसएलपी के माध्यम से 20 लाख रुपए महीने कमाने पर आ चुका है। ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है और मैं सही से नेटवर्कर हूं भी नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है, हमारे महामहिम, मेरी जिंदगी के भगवान, इस कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर की वजह से हो रहा है। दोस्तों, हमारे कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर एलन पुरी सर की वजह से हो रहा है। हमारे कंपनी के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो महिपाल जी हो, शिव कुमार जी हो, चाहे वो कुणाल यादव हो, विनय भाई हो, भंडारी जी हो, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, इन सब की वजह से हो रहा है। और यहां जो बैठी हुई मेरी टीम इलाइट है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। दोस्तों, मेरा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जब सम्मान मिलने की बात आती है तो दोस्तों बहुत कुछ बदल जाता है। हमने चंद्रशेखर सुखदेव राजगुरु को तो आजादी के लिए लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इस युग में इस बीमारी और बेरोजगारी के खिलाफ आज के भगत सिंह मिस्टर संजीव कुमार सर को इस दोनों चीजों के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और इससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि हम भी सर के साथ इस मुहिम में सर का साथ देते हैं और लास्ट सांस रहेगी तब तक हम इस बीमारी और बेरोजगारी के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर के आखिरी सांस तक हम सब मिलकर लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। दोस्तों, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, गुरुजी ने भी सोचा होगा कि यार कभी एसएलपीएस खुलेगी। हमने भी कभी नहीं सोचा होगा कैसा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन मान सम्मान की बात आती है तो सर पत्थर भी पिघल जाता है, दरिया में से भी समुंदर निकल जाता है। यस या नो? किसी कवि ने चार लाइन लिखी, आपको सुनाता हूं सम्मान के लिए। कभी दरिया के भीतर भी समुंदर जाग उठता है। मिले थोड़ी सी आहू कर लो आप, ऐसे मत बैठो जैसे अकबर से ले लाई बैठे थे। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर भी पिघलता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह है मालिक एक सबका, तो मेहरबानी हो गुरवर की मुकद्दर जाग उठता है। दोस्तों, मैं अभी 3-4 दिन पहले बैठ के कुछ सोच रहा था, शायद आपको भी नहीं पता होगा इस कंपनी की नींव क्यों डाली, गुरुजी ने कैसे डाली वो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मैं 4-5 दिन पहले एक इतिहास पढ़ रहा था, आपको थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा उससे। आज से करीब 340 ईसा पूर्व की बात बता रहा हूं, जब चाणक्य के जमाने की बात है, पाटलिपुत्र में एक राजा था जिसका नाम था घनानंद। और उस टाइम के जो राजा जितने भी थे वो क्रूर थे और देश में अत्याचार मचा रहे थे। चाणक्य पहली बार जब राजा के दरबार में गया तो उसने देखा कि दोपहर के 3 बज रहे हैं
और वहां पर राजा और उसके मंत्री मदिरा पान कर रहे हैं और लड़कियां नृत्य कर रही हैं। चाणक्य ने राजा से मिलने की कोशिश की लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। चाणक्य ने वहां से निकला और एक प्रण लिया कि अब मैं इस राजा से मिलूंगा नहीं, इसकी सल्तनत को तहस नहस कर दूंगा। ऐसा एक शिष्य, एक ऐसा अपना कोई बेटा पैदा करूंगा जो इसकी सल्तनत खत्म कर दे। और वहां से चल देता है। आगे जाकर के पशु चराने वाले कुछ बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और एक लड़का ऊपर बैठा हुआ है, वो अपनी बातें उससे कह रहे हैं और ऊपर से वो जजमेंट दे रहा है। चाणक्य दूर से देख रहा है। चाणक्य ने देखा कि ये लड़का ऐसा हो सकता है कि जिसके माध्यम से इस राजा को हराया जा सकता है। और दोस्तों उसने उस बच्चे को अपने साथ लिया और उसे वो शिक्षा सब कुछ दी जो एक राजा के योग्य चाहिए। और वो लड़का आगे चल के दोस्तों चंद्रगुप्त बना। चंद्रगुप्त के माध्यम से और चाणक्य ने मिलकर के दोस्तों पहले घनानंद को हराया, देश के अंदर जितने भी अत्याचारी राजा थे उन सबको हरा करके चंद्रगुप्त को इस भारत वंश का सम्राट बनाया था। सम्राट हम भी पहले कई काम करते थे किसी कंपनी में, गुरुजी भी करते थे, लेकिन वहां पर हमारे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं थी, हमारी बातों को सुनने की परमिशन नहीं थी, हमें सजेशन देने की परमिशन नहीं थी। यहां की तरह नहीं है, असली पेश की तरह कि आपका प्रोडक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, गुरुजी तुरंत रुकवा देते हैं और दूसरा प्रोडक्ट चेंज करवा देते हैं या कुछ दिन बाद लाते हैं। होता या नहीं? होता या नहीं? वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर तो साहब वो जो बोले वही करना है, वो जो कहें वही करना है, ऐसा माहौल था। अब संजीव सर की पर्सनैलिटी कैसी है और इनसे क्या कराया जा रहा था मैं आपको चार लाइन में बता रहा हूं, आपकी तालियां मिले तो। वो क्या कहते थे और क्या कराते थे? वो बोले तुम साड़ी बेचो। जिस इंसान ने एक 47 लेकर के आतंकवादियों को मारा हो वो साड़ी बेचेगा है? बेच सकता है क्या? अरे जिसकी रगों में भारत माता का चलिए मतलब हमेशा उमंग भरी हो, देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो, उनसे क्या कहते हैं? वो बोले तुम साड़ी बेचो, वो बोले तुम सूज पहनाओ, वो बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ। पर भी संबंध सजे संबंध। अब आगे की जो दो लाइनें हैं इनको थोड़ा ध्यान से सुनना और दिल के आर पार जाएं तो आपकी छोटा तालियां चाहूंगा भारत माता की। वो बोले तुम साड़ी बेचो, वो बोले तुम सूज पहनाओ, वो बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ। बाड़ी पर इतना अंकुश कैसे सहते और ये भारत के फौजी चुप कैसे रहते। ये इसलिए सुनिए और गुरुजी वादा करते हैं आप हमारे चाणक्य हो और आज आपने बहुत सारे चंद्रगुप्त पैदा कर दिए हैं। उसने तो भारत का साम्राज्य भारत का सम्राट बना था। वादा है पूरे विश्व में गुरु जी के नाम का डंका एक दिन तब बजाएंगे। यस जानो, तैयार हो बजाने के लिए? अब यदि आपको बड़ा बनना है, इफ यू वांट मेक ए हिस्ट्री ऑफ लिंक बिकॉज यू डोंट टेक परमिशन, आपको किसी से दोस्तों आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। आज तक किसी भी इंसान ने बड़ा काम किया तो क्या किसी ने किसी को आदेश दिया? मैं अनिल करके यहां की बात बता रहा हूं। महावीर सिंह फोगाट आज से 15 साल पहले
उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे आज भी हम नहीं करते। क्या हम अपनी बहन बेटियों को कुश्ती लड़ाते हैं क्या साहब? अरे लड़ाते हैं क्या? लेकिन उसने 15 साल पहले ये डिसीजन लिया कि मुझे अपनी बेटियों को कुश्ती लड़ानी है लड़कों से। ये बात जब उसने कही तो उसके पूरे परिवार की छोड़ो, खानदान छोड़ो, यहां तक उसकी बीवी वो भी उससे ये कहती थी, अरे क्या करने जा रहा है, अरे हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं देखा जहां पर लड़कियां कुश्ती लड़ती हों। लेकिन महावीर सिंह ने क्या कहा था दोस्तों? अरे मेरा खून है, इसके साथ गलत तो नहीं करूंगा। बोला हाँ, मुझे एक साल दे दे, एक साल में मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि मैं ठीक कर रहा हूं तो मुझे काम करने देना, नहीं तो पूरी जिंदगी सीने पे पत्थर रखूंगा और तू जो बोलेगी वो करूंगा। दोस्तों, जिन दंगलों में 200 की भीड़ नहीं आती थी, 2000 की आती थी, कुश्ती देखने नहीं, उन लड़कियों की बेइज्जती होगी, कपड़े फटेंगे, हम मजाक करेंगे। लेकिन इसी दिल्ली में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में जब गीता भगत ने स्वर्ण पदक जीता था ना, तो जो लोग उन पर गिल्ली उड़ाते थे या जो मजाक उड़ाते थे, साले ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए थे। इसे कहते हैं तिल बिना। हर एक का मां बाप चाहता है कि यार मेरा बेटा कुछ ऐसा काम करे, चाहते या नहीं? अरे चाहते या नहीं? लेकिन कैसे? हर एक के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा काम करे, लेकिन दायरे में रहकर। क्या दायरे में रहकर कोई बड़ा काम हो सकता है? एक उसे जंजीरों से बांध दो और एक कहो कि बड़ा काम कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? सर, माँ बाप क्या चाहते हैं और गुरु क्या चाहता है? मैं आपको हमारे कुमार विश्वास जी ने चार लाइन लिखी, आपको सुनाता हूं, आपके जोरदार तालियां मेरे को। करो कुछ काम तुम ऐसा, हाँ तुम यही हो, देख तो सीटी भी मार रहा है। मैंने माना कि देश के अंदर महिलाओं का और पुरुषों का अनुपात बिगड़ा हुआ, लेकिन इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है कि तुम पुरुषों की मुझे सीटी मारो। करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए, चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। ये कौन चाहता है? माँ बाप। यस जानो, अगली दो लाइन गुरु के लिए, गुरु क्या चाहता है? करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए, चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। जमाने की नहीं सुनना, जमाना दर्द ही देगा, अगर सुनते हो खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। सुननी है और किसी की नहीं सुननी साहब, यदि इसकी नहीं सुनी और गुरु की नहीं सुनी तो जो आज तक हमारे साथ रोज बलात्कार हुआ है वही होगा। यह जानो। दूसरा दोस्तों, यदि आपको जिंदगी में सफल होना है, मैं यहां तक पहुंचा कैसे पहुंचा? क्या मेरे अंदर कोई जादू है? अरे मैं जब काम करने लगा तो मैं देने तो फ्यूचर टेंस था। ये मेरे को गुरुजी ने बताया, बेटा तू करेगा तो बड़ा बनेगा, पैसे कमाएगा, गाड़ी आएगी, घर आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं तो करता चला गया, करता चला गया, मेरे लिए फ्यूचर टेंस था, आज प्रेजेंट बन गया। लेकिन आपकी स्टार्टिंग तो प्रेजेंट टेंस से हो रही है, आपके सामने तो हजारों अचीवर्स इस स्टेज पे खड़े हैं। आपको सोचने की या समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी जिंदगी लगानी है और इस स्टेज तक। क्योंकि दोस्तों, यहां तक
ये पहुंचाऊं तो सर इसमें बहुत लोगों की साथ रहा है, बहुत लोगों का आभार रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा आभार ये मेरे सामने बैठी है मेरी वाइफ, इसका भी बहुत बड़ा रहा है। मेरे को आज तक इसने कभी ये नहीं पूछा तुम कब आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या करते हो, कितने कमाते हो, कहां रखते हो, आज तक मुझसे कभी हिसाब नहीं लिया। इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूं ये मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरी लाइफ है। क्योंकि वाइफ की फुटबॉल पता क्या होती है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। ये वाइफ नहीं है दोस्तों, ये मेरी लाइफ है। और परमात्मा से दुआ करता हूं हर जन्म में इसी को मुझे दे। सही है, आपको चलना है आगे तो सिर्फ आपको अपनी आदतें बदलनी है, जो काम करने के तरीके अपनी तरह से मत करो दोस्तों। हम मैं अपनी तरफ से करता, यदि मेरे अंदर ज्ञान था तो मैं 18 साल का ऐसी तैसी कर रहा था। आप बताओ, मेरे अंदर ज्ञान था, मैं जानता था, बोलना जानता था, तो फिर पहले क्यों नहीं बन गया ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहा हूं। यहां से अगले 5 साल में ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। आज रॉयल डायमंड हूं, एथलीपियस है तो रॉयल डायमंड हूं, इसका पैच हट गया तो रामवीर कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी। तो आप सब इस स्टेज तक आना चाहते हो, अरे आना चाहते हो, तो दोस्तों सिर्फ आपको जो अपना प्लान बताता है उसके अनुसार आपको काम करना है और सिस्टम के माध्यम से अपने आप को ढालना है। जो भी आपका प्लान कहता है उसके हिसाब से चलोगे तो हम सब बहुत बड़े बनेंगे। क्योंकि हमारे जैसे गरीबों से सिविल में तो कोई बात भी नहीं करता। मैं भगवान संजीव सर को ऐसे नहीं कहता, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको कि ये इंसान उस दिन इंसान थे लेकिन आज भगवान क्यों है, मैं आपको बताता हूं। जितने भी टाटा बिरला अंबानी बड़े बड़े जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, आप उनके यहां पर जॉब मांगने जाते हो, सबसे पहले आपसे क्या मांगते, अरे क्या मांगते, डिग्री मांगते हैं। डिग्री दिखा, तुम्हारी शक्ल देखते हैं, कपड़े चेक करते हैं, चलवा के देखते हैं, जात पूछते, धर्म पूछते, सारा ऐसे चेक करता है जैसे अपनी लड़की की शादी करने वाला है। यस या नो? भगवान कैसा होता होगा, क्या भगवान किसी से जात पूछेगा, अरे पूछेगा क्या, किसी से डिग्री पूछेगा, किसी से उम्र पूछेगा। भाई कहते एक पैर है, तू तो भाई मोटी है, तू पतली है, तू लंबा है, तू काला है, ऐसा भगवान पूछेगा क्या, अरे पूछेगा क्या। तो आज एथलीपियस वेलनेस सिर्फ एक ही बात पूछती है और मैं भी आपसे पूछता हूं, अरे हिंदुस्तानी हो, आधे बोले नहीं पाकिस्तानी हो गया, अरे हिंदुस्तानी हो, बड़ा बनना चाहते हो, अपने खानदान की हिस्ट्री लिखना चाहते हो, तो एथलीपियस में आ जाओ। कोई डिग्री धर्म नहीं चाहिए, जितना चाहो उतना कमाओ और अपने खानदान का नाम अगली 7 पीढ़ियों तक इतिहास में लिख जाओ, ये प्लेटफॉर्म। हम आपको लगता है कि सर पैसा वाला बनने के लिए किसी बड़े घर में लॉन्च होना है, ऐसा नहीं है साहब। यदि जन्म से हम किसी को तोलते या जन्म से किसी को समझते तो याद करो 28 सितंबर 1907 खटकनगरा गांव में विद्यावती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। आप में से 90% को नहीं पता होगा वो कौन था। यशानो देव तो वही बंदा, उतने लाखों बच्चों का जन्म हुआ था इस देश के अंदर, कोई नहीं जानता था, लेकिन 23 मार्च 1931 को उसी 26 साल के लड़के ने फांसी को फंदे को चुमा था, जिसे हम शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जानते हैं। यस जानो, इसलिए मैं कहता हूं अरे 70 साल की सड़ी हुई जिंदगी जीने से अच्छा है 26 साल की भगत सिंह जैसी जिंदगी जी जाए।
में जो चीज है, हम जो डरते हैं जिन चीजों से, लोगों से बड़ा बनने के लिए, हमारे पास डिग्री है, हम तो बड़े लोग हैं, हम जाएंगे तो समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, इस बात को ही मैं सोचूं तो फिर समाज क्या सोचेगा। अरे समाज को सोचने देते हम कुछ कर लेते। समाज किसके बारे में सोचता है, जो कुछ कर रहा होता है। अरे निकम्मों के बारे में तो माँ भी नहीं सोचती। एक बच्चा उसी माँ का जन्म दिए तो को, एक माँ एक बेटा कमा के लाता है, घर चलाता है, माँ कहती है बड़ा प्यारा बेटा मेरा श्रवण कुमार है। एक बेचारा घर में बैठ के रोटी खा रहा है, काम नहीं मिला, अरे तू मरता क्यों नहीं, यही बैठ के खाएगा, अरे मैंने क्यों जन्म दिया। जब सगी माँ निकम्मों के बारे में नहीं सोचती तो जमाना क्या सोचेगा। आपको कंपनी में आने के बाद जब बोलते टाई बांध क्या, ड्रेस पहन क्या, अरे सर शर्म लगती है, शर्म लगती है, अरे जिस तू ड्रेस में मैं अपनी माँ के पास जाऊं तो मुझे प्यार करेगी, अच्छा बोलेगी या गाली देगी, अरे अच्छा या गाली। और इस ड्रेस में मैं अपनी बीवी के साथ चल के आया, अरे ब्रॉड व्हील गिरती है, करती है नहीं करती, अरे जिसने जन्म दिया वो प्यार करती है, जिसके साथ जिंदगी बितानी है वो प्यार करती है, बाकी जमाने से क्या लेना देना। लेना देना है क्या मैं किसी से? मैं तो सब प्यार करता हूँ, मुझे नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं आती। गुरुजी ने बताया था बेटा नेटवर्क मार्केटिंग कोई धंधा नहीं है, परिवार है, परिवार है। तो इस परिवार को सही तरह से समझने में, इनकी समस्याओं को दूर करने में, इनको अपना बनाने में, इनको अपने गले से लगाने में कामयाब हो गया तो नेटवर्किंग तो ऐसे होती है। और हो रही है कि नहीं हो रही? अरे हो रही है, नहीं हो रही तो प्यार करो। आप इस दुनिया की तरफ जाओगे तो सर कुछ नहीं मिलेगा, ये लोग आपकी मोहब्बत को प्यार को समझने वाले नहीं है। सिविल में कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, हम डुप्लीकेट लोग हैं, हम दूसरों की लड़कियों को भागते हुए देखते हैं बड़ा मजा आता है, दूसरों की बेइज्जती होते हुए देखते हैं बड़ा मजा आता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप पिक्चर देखने जाते हो, जब कोई बाप अपनी लड़की को जो हीरोइन है उसे हीरो से मिलने नहीं देता तो उस बाप को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? और कल हमारी लड़की किसी से प्यार करे तो फिर हम क्या? अरे क्या है ये जमाना, बहुत अलग है। मैं फिर चार लाइन आपको सुना रहा हूं बड़े प्यार वाली जोरदार तालियों के साथ। भंवर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, भंवर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। और अगली दो लाइन, बड़े ही शौक से सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, और मोहब्बत को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। ऐसा ही है ना जमाना, सही कह रहा हूं या गलत? दोस्तों डरना नहीं है, डरना मना है। और एसलीपीएस का गेट हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, पढ़ा लिखा अनपढ़, एक पैर का दो पैर का, काला पीला कैसा भी हो, सिर्फ हिंदुस्तानी हो। सही है, करना चाहते हो बड़ा काम? दोस्तों आप सभी ने ये प्यार जो दिया है इसे यूं ही बनाए रखना, आपके इस प्यार की बदौलत ही मैं तो जिंदा हूं, बाकी मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं है। दूसरा, ये काम कोशिश करने का है। किसका है? कोशिश करने का। जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें बहुत कुछ मिलता है, जो कोशिश नहीं करते उन्हें कुछ नहीं मिलता। आपने वो गाना सुना होगा, कोशिश न की तूने इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता,
यस या नो? कोशिश करोगे तो ये मंच तैयार है, नहीं करोगे तो जो जिंदगी जी रहे हो वो तैयार है। मुझे तो डर लगता है, पीछे लौटता हूं तो मुझे बड़ा डर लगता है, वो 73 नंबर सीट, वो साइकिल, वो गर्मी, आज सब ये एथलीट्स की टोपी पहन रखी है, तीनों चीजों से भरी है। लोग कहते हैं सर टोपी पहनाने का बिजनेस, सब तीन चीज से बचाती है, सर्दी, गर्मी और बरसात, बचाती है नहीं बचाती? सर जिस दिन से एथलीट्स की टोपी पहनी है, गाड़ी ऐसी, घर ऐसी, होटल ऐसी, 12 महीने ऐसे कोट पैंट में रहता हूं, मुझे कहीं पर गर्मी नहीं लगती साहब, गर्मी नहीं लगती, गर्मी लगती है पैसे की और वो मैं लेता हूं। तो ऐसा कुछ करना चाहते हो? थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने ये प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं दोबारा से आप सभी का थैंक यू कहना चाहूंगा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना।